इसको तो बिलों का दुख ही ले गया। ये लो बिल बिल। हम क्यों इन्हें करें या ना करें इसको जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम या फजल अब्बास सलमदार। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू एंड अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये आज कौन वीडियो बना रही है और वीडियो बनाने वाली कहाँ है। तो आज जो व्लॉग है ना, थोड़ा सा जो है ना सैड है, क्योंकि आज वीडियो बनाने वाली थी ना तो बेहद बहुत ख्वाब हुई पड़ी है। मैं इतना फीवर हुआ पड़ा है उसको, तो उसको सर्दी भी बड़ी लग रही है, उसको दो तीन दिन से बड़ी सर्दी लग रही थी, तो अचानक से इतना फीवर हो गया कि अब बीमार बैठी हुई है। चलें जी नीचे चलते हैं, ऊपर बड़ी गर्मी है, इतनी प्यारी बारिश होके और बाद में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, समझ नहीं आती रब क्या चाहता है। लेकिन चलें नीचे चलते हैं, मिलवाती हूँ आपको बीमार से और दिखाती हूँ नज़ारे, लेट्स गो। बिल आए हुए, चलते हैं ऊपर देखते हैं कितने आए हैं। दिस इज़ अ बिल बिल, डेंजरस बिल। करना गुस्से में इधर उधर निकल जा। मैंने एक नज़ारा देखा, मैंने देखा कि बिल आए हुए हैं। ओह माय गॉड, क्या करूँ, बड़ा ज़्यादा बिल आया, बड़ा ज़्यादा बिल आया। जैसे मैंने देखा बिल आया उधर से, फारिया मैडम जो उसको सर्दी लग रही थी आ गई है ऊपर, मिलवाऊँ चले मिलते लो जी। ओए बैठी हुई है ये ना, क्या कर रही हो तुम? मैं बताऊँ इसको क्या कर रही हूँ, है इसके सर का काम कर रही हूँ, देख नहीं क्या कह रही है मुझे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, दो दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं डाला, वो सिर्फ मेरे बीमार होने की वजह से। इसको मैंने पागल हड्राम को, इस हड्राम को यकीन नहीं करना, आपने यकीन नहीं करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस हड्राम को आज मैंने कहा कि उठ के व्लॉग बना ले। नहीं आपने यकीन नहीं करना, नहीं है आज मैंने क्या आपके व्लॉग बना ले, मेरी एनर्जी लेवल जो है ना वो डाउन है, मुझसे इतना बोला नहीं जाएगा। तो तुम जो हो ना व्लॉग बना लो, बीमार है, दुआ करनी है सब ने। देख ले देख ले, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मेरे पास दो न्यूज़ है, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। अच्छा पहले क्या लेना चाहोगे? मैं बैड न्यूज़। पहले बैड लेना चाहते हैं। ओके ये लो, ये क्या, इसे बिल कहते हैं इंग्लिश में, बिल क्या कहते हैं, बिल देखो कितना है। अल्लाह उई उई, पढ़ लो पढ़ लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैंने अभी तक आप लोगों से सलाम भी नहीं लिया क्योंकि आज मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, तो मैंने सलाम कहाँ से लेना था। दो तीन दिन हो गए हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो अस्तग़फ़िरुल्लाह मुझे बहुत दुख, मैं उल्टे हाथ की मारनी है, मेरा बदतमीजी ना करो, बदतमीजी नहीं करिए, अफसोस कर रही हूं। अपनी ही गलती की वजह से, आप लोगों गलती कभी मत करिएगा। नाइट में शावर लेने वाली, ठीक है, तो नाइट में मैंने शावर लिया आधी रात को, और वो नाइट में थी, वो नाइट में थी, आधी रात थी। अच्छा आधी रात को मैंने शावर लिया, उस वजह से जो है ना मुझे दो तीन दिन सर्दी लग गई, ठीक है, और सर्दी के साथ मैं फिर थी, मुझे लगा शायद फ्लू की वजह से मुझे इस तरह फील हो रहा है, बट वो जो है ना मुझे बुखार हो रहा था, तो कल मुझे इतना सख्त बुखार था, सख्त वाला। अब मैं थोड़ी बेटर हूँ, कल तक मैं भी और ज़्यादा बेटर हो जाऊँ, फिर व्लॉग मैं ही बनाऊँगी। अब ये न्यूज़ हमें भी दें, और ऊपर से बंदा बीमार हो, और इतनी बड़ी खबर आज है बिलों वाली, फल्ला आजकल तो इतने बिल आ रहे, इतने बिल आ रहे, हुकूमत पाकिस्तान हाँ सुबह शाम बिल ही आ रहे, हुकूमत पाकिस्तान रहम ही नहीं खा रही है वहाँ पे, पता नहीं वो रहम नहीं खा रही है, महंगाई इतनी हो गई। अल्लाह मैं धूप में बैठी हूँ, कल मुझे गर्मी सर्दी लग रही थी, अब मुझे गर्मी लगने लग गई। ऊपर से अकेले बाबा हैं कमाने वाले, और बिल जो हैं वो इतने इतने ज़्यादा आ जाते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। अल्लाह, मैं थोड़ा सा व्लॉग करने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे व्लॉगिंग हुई तो, ठीक है। वो पागल इंसान है, बिल्लों को ही देखी जाएगी, इधर इधर आप लोग देख रहे हैं, भी आँखें भी सही तरह नहीं खुल रही, ठीक है, ये चेक करें जरा इसको। हाय नहीं बाजी, हाय किसी, हाय नहीं बाजी। अच्छा तो आप लोगों को भी घर इसी तरह के बिल्स की सूरत हल होगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस किस को जो है ना बहुत ज़्यादा बिल आया, किस किस को बहुत नॉर्मल बिल आया। जिनको नॉर्मल बिल आया वो तो लकी पर्सन, इस ज़माने में नॉर्मल बिल तो किसी को भी नहीं आते, है ना। हाँ ये भी बात ठीक है। सो
बिल्लियों की। मैंने लास्ट व्लॉग में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रिप्लाई किया था, वो जो गज़ल आपी के हम मीटअप गज़ल आपी से मीटअप हुआ उसके बारे में, ठीक है। लेकिन हमारे उस व्लॉग पे तकरीबन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अभी व्यूज़ नहीं बता रही, ठीक है। जब उसका फाइनल वो जहाँ जाके रुक जाएगा ना, फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। उसके अलावा मुझे समझ चढ़ रहा है, मीरा क्या हरकतें करती फिर रही हो। अच्छा, सो जो है ना, हमने गज़ल आपी से मीटअप किया था, तो क्या उसका नाम है, मैंने उसके बारे में एक दो बातें कही थी लास्ट व्लॉग में, ठीक है, जहाँ पे हम मामा का वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए गए और क्या उसका नाम है, माइक परचेज करने के, वहाँ मैंने एक दो बातें की थी। बट उसके बाद वो व्लॉग जो है वो चलता गया चलता गया चलता गया, उस पर इतने कॉमेंट्स आए कि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर उतने कॉमेंट्स आए, ठीक है। सो हम सोच रहे हैं कि हम उन तमाम जो है ना सोच रहे हैं कि हम उन तमाम कमेंट्स का जो है ना वो क्यू एन ए कर लें, ठीक है। उसके अंदर बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जो सपोर्टिव हैं, बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जो नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, बड़े बड़े तरह के कमेंट्स हैं उस व्लॉग पे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या हम उस पर क्यू एन ए बनाएं या मत बनाएं, ठीक है। ये आप लोगों ने आज के व्लॉग के कमेंट्स में बताना है, ज़रूर बताना। अगर आप कहेंगे तो नहीं बनाऊँगी ना बना हमारी वाला से, तो आइंदा हाई मेरा बाजू थक गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का इसने व्लॉग शुरू किया था, ठीक है, तो अचानक से जो है ना नीचे बिल देखे इसने, अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या कर रही हो, मक्खियाँ चढ़ी, मक्खियाँ भी बर्दाश्त नहीं होती हैं इस लड़की से। अच्छा, तो होप सो आप लोगों ने आज का व्लॉग इंजॉय किया, लेकिन 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 एक तो आपने दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। आप लोगों ने आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा और अपने जो है रिएक्शंस के हम क्यू एन ए करें या ना करें इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक हो गया। और एक दुआ भी करनी है कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, ठीक है, और इस पागल से जान छूटे हमारी ये व्लॉगिंग ना करें। अगर इसकी व्लॉगिंग अच्छी लगी तो वो लिख दीजिएगा कि मीरप की व्लॉगिंग अच्छी है या फारा की व्लॉगिंग अच्छी है, ठीक है। ऑब्वियसली मेरी या इसकी जिसकी भी हुई है, तो हम बहने ना, तो हम दोनों की भाई कैमरे के सामने सामने का प्यार है, उसके अलावा तो वो नहीं, वो मम्मा एक वर्ड बोलती हैं, कुत्ते खानी हुए रहते हैं, कुत्ता बिल्ला वाली सुबह शाम लड़ाई होती रहती है हमारी, ठीक हो गया। आप लोगों ने आज का व्लॉग जो है एंजॉय किया होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। आज मैं बड़ी बीमारी के साथ इतना हूँ, चा सारा नहीं बोल पा रही, ठीक हो गया। कुछ बोलो, आज व्लॉग तूने बनाना था, मैं फिर भी बना दी अंदर। अच्छा जी, इसको तो बिल्लों का दुख ही ले गया। भाई एक हमारे पापा अकेले कमाने वाले हैं, तो फिर इतने जब ज़्यादा से ज़्यादा बिल आते हैं हर साल हर महीने, इतने बिल आते हैं, आपको भी आते होंगे, सबको आते हैं। ओके, अब कर लो एंड इस डाइन के लिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, मेरे प्रिंसेस के लिए भी आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह। तुम प्रिंसेस कहाँ से आ गई हो, तुम प्रिंसेस हो गई तो फिर बाकी प्रिंसेस तो भाड़ में जाएंगी, पेरेंट्स की प्रिंसेस। अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमने मैं आपको बताती हूँ, ठहर जाए, हमने कूड़े से उठाया था, ठीक है, एक कूड़े की डस्टबिन थी, उसके ऊपर एक वो बच्चों की होती है ना, वो कैसे कहते हैं, वो जिसके अंदर झूला लेते हैं उस तरह को, हाँ कॉट, उसके अंदर ये पड़ी हुई थी कि मम्मा ने तर्स खा के इसलिए गार्बेज से उठाया था, ठीक है, ये गार्बेज से हमने उठाई है। ये ऑफ कैमरा ना, फिर देखते हैं हाल, ऑफ कैमरा हम कैमरा ना पकड़ सकते, हाँ जी, इसको हमने गार्बेज से उठाया था, इसलिए हम इसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेते हो, हिली हुई है दिमाग से थोड़ा सा। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब।